हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा. वेल्कम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पर हम यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी एग्जाम, यूपीएचएससी एग्जाम, सीटेट एग्जाम, सेट एग्जाम और ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्जाम के बारे में डिस्कशन करते हैं. प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ कंप्लीट पेपर वन की, और अगर आपका पेपर टू एजुकेशन है तो आप एक बार जरूर हमारे साइट को विजिट करें, इस चैनल को, और आपको यहाँ पर ढेरों टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे. कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई है मैंने पेपर वन की, पेपर टू की, तो एक बार जरूर विजिट करें. आज हम बात करने वाले हैं सेट एग्जामिनेशन के बारे में. सेट एग्जाम क्या होता है इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं. सेट एग्जाम जिस तरीके से यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वैसा ही सेट एग्जाम होता है. सेट का जो एग्जाम होता है वो स्टेट लेवल पर होता है, नेट का एग्जाम नेशनल लेवल पर होता है. और आप सभी एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज है कि महाराष्ट्र ने अपने सेट एग्जाम की घोषणा करी है. आप महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में सेट एग्जाम के फॉर्म ओपन हो गए हैं, उन्हें आप भर सकते हैं. और स्टेट लेवल पर अगर कोई भी पोस्ट निकलती है महाराष्ट्र में तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे. इस बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा. कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, ये सारी बातें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. तो देखिए, नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करना है इंग्लिश में तो आप जा सकते हैं, 7 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा. यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और दो भाषाओं में दिया हुआ है, इंग्लिश में और मराठी में. तो जो भी भाषा आप कंफर्टेबल फील करें वहां से जाकर आप इसको फिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं. तो 12 जनवरी से फॉर्म ओपन हो गए हैं, फिल करने की डेट हो गई है स्टार्ट. तो आप 12 जनवरी यानी आज से ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं. लास्ट डेट का ध्यान रखिए, 31 जनवरी लास्ट डेट है. और अगर आप लेट हो जाते हैं फिल करने में तो लास्ट डेट के बाद में ₹500 एक्स्ट्रा फीस के साथ में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं. एक दिन का और समय मिलेगा. एग्जाम की जो डेट है वो है 7 अप्रैल 2024. ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन जो स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन कर लें. तो दो पेपर होंगे आपके, पेपर वन होगा, पेपर टू होगा. पेपर वन जिस तरीके से नेट का एग्जाम होता है, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के. और सेकेंड पेपर जो आपका होगा जिसमें आपने पीजी कर रखा होगा उसमें उसके क्वेश्चन होंगे. ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक के लिए 2 नंबर होंगे, तो टोटल मिला के 300 नंबर. पहला पेपर जो होगा 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 10 बजे से 11 बजे तक. दूसरा पेपर होगा उसमें 1.5 घंटे का समय होगा, 11:30 से लेकर 2 घंटे का, सॉरी है ना, 2 घंटे का समय होगा इसके लिए. तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो आपको OMR शीट दी हो दी जाएगी, उस OMR शीट को आपको फिल करना होगा. जिस तरीके से गोली लगाकर फिल करते हैं वैसे आप फिल करेंगे, तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें तो 55% होने चाहिए आपकी पीजी में और विदाउट राउंडिंग ऑफ. इसका मतलब क्या होता है कि मतलब 55% का मतलब है कि 55 या उससे ज्यादा आपके मार्क्स होना चाहिए. अगर आपके 54.9% भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर नहीं सकते हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट. हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है SC ST या OBC कैटेगरी में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना, अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी, है ना. और बाकी रिजर्वेशन का जो एरिया है वहां पर आप इसे देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिला हुआ है. इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, आगे बात कर लें हम रिजल्ट, जैसे कैसे आएगा रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 40% एग्रीगेट जो मार्क्स होंगे वो जरूरी हैं दोनों विषय में. ठीक है, मतलब 300 में से अगर आपके 120 नंबर आते हैं तो आप का जो पास होने का कार्य है वो हो सकता है. ठीक है, और अगर आप OBC कैटेगरी या SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 35% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए. ठीक है, तो इसके बाद मतलब ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि UGC नेट के एग्जामिनेशन का होता है. अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया जाए तो बिफोर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है उसे आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ लेना है अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं. ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर ली जाए तो आपकी ₹800 की फीस है और रिजर्वेशन अगर आपको है तो ₹650 की फीस है. ठीक है, PWD कैंडिडेट की 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी होती है तो उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा. ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से ध्यान से देख लेना चाहिए. हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो आपको जाना है setexam.unipune.ac.in पर जाएंगे आप, उसके बाद इस फॉर्म को फिल करेंगे. आपके पास में
आपका जो नंबर है उससे ध्यान से आपको फिल करना है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए। आपको अपनी फोटो चाहिए है, जैसे 50 KB में आप जेपीजी फॉर्म में अपलोड करेंगे। सिग्नेचर चाहिए है जेपीजी फॉर्म में, 30 KB के होने चाहिए, इसे अपलोड करना है। पहला जो स्टेप होगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, दूसरे स्टेप में आपको अपनी फोटो स्कैन करके लगानी है, फिर तीसरे स्टेप में पेमेंट को फिल करना है। इसके बाद में एक और बात ध्यान में रखनी है, आपको कोई भी कहीं पर भी इस फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, लेकिन सेंड वगैरह नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, थोड़ा और इसके बारे में देख लें। अगर आपको इनके किसी भी कैंडिडेट कहीं पे भी कांटेक्ट करना है तो ये नंबर दिए हुए हैं हर एक सेंटर के लिए, तो आप यहाँ पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात की जाए तो एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन माध्यम से बताए जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन आएंगे, एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, पेपर 1 का सिलेबस ये है, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो ये हैं जिनमें आप इस सेट एग्जाम को भर सकते हैं। अगर आपने इन सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। ध्यान दें एजुकेशन के स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पे मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन कराई है एजुकेशन की और पेपर 1 की, तो जो भी एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो एक बार जरूर विजिट करें, आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि अभी हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इस सिलेबस में क्या दिया हुआ है, तो एक बार डाउनलोड करके देखते हैं सिलेबस क्या है एजुकेशन का। तो ये वही सिलेबस है जो कि UGC नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस है। और आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि हमारा जो ऐप है इसमें मैंने एजुकेशन सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स डाल रखे हैं पेपर 1 के, और अगर आप पेपर 2 आपका एजुकेशन है तो आपको यहाँ से कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में। तो एक बार जाकर जरूर चेक करें, आपको यहाँ से 10 यूनिट के नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। पेपर 1 का भी सिलेबस देख लेते हैं, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, तो पेपर 1 के बारे में वही सिलेबस है जो कि हमारा UGC नेट के लिए होता है। 10 यूनिट दी हुई हैं, फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन, ये वही है जिसमें हमने अभी चर्चा करी। तो आप जाकर एक बार जरूर चेक करें, आपको यहाँ पर पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा जो कि PDF फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको सेल्फ लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सेल्फ लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में, 400 रुपीज या 200 रुपीज में आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं, तो आप इसे डाउनलोड जरूर कर लें। साथ ही साथ में इसमें कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिसमें बहुत सारे पिछले सालों के प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व आंसर दिए हुए हैं, तो आप एक बार जरूर देखें, सारे ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, हमारे ऐप को जब डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आ जाते हैं हम बात थोड़ा और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पेपर देख लेते हैं पेपर कैसा आता है। तो पेपर देखिए, जो पेपर है 2 भाषाओं में आ रहा है, पहला है, एक सेकेंड, पेपर देखना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ से सिलेबस अपलोड है स्कीम आंसर की क्वेश्चन पेपर, इसी वाले पेज पर आप चले जाएं, यहाँ पे पिछले सालों के किसी भी एग्जाम के पेपर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पेपर के आप चेक कर लीजिए, पेपर 1 सेट में पेपर आता है क्योंकि OMR शीट का पेपर होता है, CVT मोड में ये क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो हम एजुकेशन का ही देख लेते हैं, फर्स्ट इसकी जो भाषा रहेगी वो हिंदी नहीं रहेगी, मराठी रहेगी, पहला जो मेन लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और दूसरी भाषा रहेगी वो रहेगी मराठी, ठीक
है, तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो आपको मराठी आनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो अच्छा है, सेट एग्ज़ाम इक्विवेलेंट ही होता है नेट एग्ज़ाम का, बस अंतर इतना ही आ जाता है कि आप उस एक स्टेट विशेष के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर वहाँ पर कोई भी पोस्ट निकलती है तो आपको मान्यता मिलती है या प्राथमिकता दी जाती है अगर आपके पास में सेट का सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम को आप फिल कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि हमारे ऐप में जाकर आप ये सारी ही टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं, 260 या 400 रुपये, 300 रुपये की टेस्ट सीरीज है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो नोट्स हैं ये तो बहुत ही सस्ते हैं, 200 रुपये में आपको कंप्लीट 10 यूनिट के नोट्स मिल रहे हैं। आप हमारे एक ऐप को जरूर विजिट करें, और करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ सेल्फ लर्निंग के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड एकदम फ्री है, कोई शुल्क इसके लिए नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे ऐप पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सेल्फ लर्निंग में हम कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, हमारी क्लासेस लाइव हो चुकी हैं। तो आप अगर सेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए, और आपका अगर पेपर 2 एजुकेशन है तो हमारे क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। रोज 3 बजे हमारी क्लासेस होंगी, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासेस। तो अगर आप चाहें तो हमारी क्लासेस अटेंड करें, कंप्लीटली फ्री है, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। और उसमें मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि फ्री है। जो भी स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए हैं उन्हें हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ 29 रुपये देना है, 29 रुपये देकर आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी हमारे ज्वाइन मेंबर होंगे उनको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की बात, अगर आप सेट एग्जामिनेशन को फिल करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, इस एग्जाम को जरूर फिल करें। इसके अलावा आपको इससे संबंधित कोई भी और क्वेरी होती है आप मेरे से पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर हमें जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।